ये आप नीचे का नज़ारा देख सकते हैं भाई, कितना अल्टीमेट है। अभी कुछ जगह खाली है, लेकिन भाई जो नज़ारा ऊपर से दिख रहा है वो बहुत अल्टीमेट है भाई। और काफ़ी स्पेस नीचे का भर चुका है, और कुछ स्पेस अभी खाली है, वो भी 15 से 20 मिनट के अंदर वो भी भर जाएगा। और सामने आप लाल किला भी देख सकते हैं, लाल किला है, और ये बिल्कुल इसका मेन गेट है जामा मस्जिद का, ये पूरा मेन गेट है जामा मस्जिद का आप देख सकते हैं। सामने की जो मार्केट है मेन गेट के, वहाँ की मार्केट भी आप देख सकते हैं भाई, कितनी अल्टीमेट है, कितनी भीड़ भाड़ है। क्योंकि जामा मस्जिद में थोड़ी सी भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि सब लोग जो नियरेस्ट होते हैं दिल्ली के वो आते हैं, और कुछ लोग बाहर से भी आते हैं आउट ऑफ दिल्ली, वो प्लानिंग करते हैं पूरी तरह आने की। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा भाई, कितना अल्टीमेट है, और बहुत अच्छे विजुअल्स यहाँ से ले पा रहा हूँ मैं आपको, दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि भाई मैं आपको बहुत जल्दी जामा मस्जिद की मीनार की आपको शेयर कराऊँगा, लेकिन यहाँ पर आकर के मुझे बहुत अल्टीमेट मज़ा आया है, क्योंकि ये नज़ारा मैंने पहली बार देखा है यहाँ पर। मतलब नीचे तो मैं काफ़ी टाइम, मतलब आपने देखा होगा ब्लॉग में अक्सर दिखता रहता हूँ, लेकिन जो ये ऊपर से जो नज़ारा दिख रहा है मीनार से, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर ऊपर आकर के, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर के। और मैं अगर जो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ का शेयर करूँ तो भाई मैं दोबारा आना चाहूँगा यहाँ पर। और अगर आप भी मतलब जामा मस्जिद आ रहे हो तो भाई मीनार ज़रूर आ जाना, और मीनार का 50 रुपये का टिकट है, ठीक है। वो भाई यहाँ के विजुअल्स जो मैं ले रहा हूँ आपको ये अच्छे लग रहे होंगे। तो गाइज़ फाइनली मैं मीनार पर आ चुका था, और मेरे को मीनार पर आकर के बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत भीड़ हो रखी है यहाँ पर, क्योंकि मैं आया था तब तो यहाँ कोई नहीं था, अकेला था मैं जब ऊपर मैंने यहाँ पर आया था। लेकिन जैसा जैसा मैं ऊपर आया तो यहाँ पर काफ़ी स्पेस बढ़ता चला गया, और यहाँ का जो नज़ारा है भाई बहुत अल्टीमेट है भाई। आपको जब मीनार का आपको एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। और अगर जो आपको ये वीडियो में मज़ा आया, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं प्लानिंग कर रहा था मीनार पर आने की, मेरा कितने बार मेरा मतलब प्लान चेंज हुआ, कभी मेरे को टिकट नहीं मिल पाया, विंडो बंद हो गई, तो आज फाइनली मैंने ठान लिया था कि भाई आज मैं आपको मीनार पर ज़रूर घुमाऊँगा ज़रूर जामा मस्जिद की मीनार पर। और मैं आज फाइनली मैं पहुँच ही गया था, सबसे पहले पहुँचा था, जब तक तो विंडो भी नहीं खुली थी नमाज़ की वजह से। तो आई होप आपको यहाँ पर यहाँ के जो विजुअल्स है उनको देख करके अच्छा लगा होगा। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो भाई इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। टाइम हो गया भाई 6:25, और अभी हम नीचे जाएंगे और नीचे का नज़ारा देखेंगे, नीचे का क्या है, क्योंकि ऊपर का तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कितना अल्टीमेट नज़ारा है भाई, मज़ा आ गया ऊपर से सारा इफ्तार का जो नीचे देख सकते हैं, कितनी भीड़ है ऊपर से देख करके मज़ा आ गया। लेकिन अब हम आपको नीचे से भी कुछ विजुअल्स दिखाने वाले हैं जो कि बहुत अल्टीमेट हैं यार, क्योंकि एक माहौल जो है यहाँ का बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको यहाँ से जो मीनार से जैसा नीचे से ऊपर आते हैं और आपको कुछ इस तरह का स्पेस दिखता है, उसके बाद अगर मैं पूरी मीनार की यहाँ पर आपको विजुअल्स दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होंगे। ये देख सकते हैं भाई पूरी जामा मस्जिद, और मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा, ये पूरा गोल चक्कर है यहाँ का। और आप देख सकते हैं भाई जामा मस्जिद एक अल्टीमेट ही है, और ये जामा गुम्बज और ये नीचे का नज़ारा है आपको देख। चलो अब हम भी चलते हैं नीचे, अब नीचे चलते हैं भाई हम, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है हमें ऊपर आए हुए। और अब देख सकते हैं भाई नीचे अंधेरा है, मज़ा आ गया भाई ऊपर के, ऊपर जा कर के ऊपर की विजुअल्स लेकर के। अब मैं चलता हूँ नीचे भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा ऊपर का एक्सपीरियंस, आप ज़रूर आ जाना अगर आप आ रहे हो तो भाई। जामा मस्जिद बहुत अच्छा लगता है यार ऐसे मोन्यूमेंट्स पर, जहाँ पर सब लोग आते हैं ऊपर मीनार पर घूमते हैं। हमने मेरे को तो काफ़ी दिन हो गए थे प्लानिंग कर रहा था, लेकिन टाइमिंग का इशू था, मैं नहीं शूट्स कर पा रहा था मीनार के, तो फाइनली आज मैंने मीनार के आपके विजुअल्स दिखा दिए। और अब मैं चलता हूँ नीचे, और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मेरा यहाँ पर। और काफ़ी जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई पता नहीं किस तरह की विजुअल्स आएंगे, उससे ज़्यादा ही यहाँ पर मेरे को देखने को मिला। और हम ऑलमोस्ट नीचे पहुंच गए हैं, क्योंकि भाई 120 यहाँ की पेड़ियाँ हैं जो ऊपर से नीचे आना पड़ता है और नीचे से ऊपर जाना पड़ता है। अभी तक मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, बहुत लोग थक जाते हैं बीच में भिड़ जाते हैं, लेकिन मैं नॉन स्टॉप ऊपर गया था और नॉन स्टॉप ही मैं नीचे जाऊँगा। आप देख सकते हैं भाई ये छोटी छोटी सी पेड़ियाँ हैं जहाँ पर लोग इसी पे को आते हैं और इसी पे को जाते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं सभी लोग। और अभी देख सकते हैं हम नीचे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, और फाइनली हम गेट पर आ गए हैं, और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं भाई। अभी मैं थोड़े से और विजुअल्स लूँगा भाई यहाँ के, और ये देख सकते हैं भाई पूरा नज़ारा आप यहाँ का देख सकते हैं भाई, जामा मस्जिद का कितना भर गया है, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे इतनी भीड़ नहीं थी। लेकिन अब अगर जो मैं यहाँ की विजुअल्स दिखाने की कोशिश करूँ तो भाई एक अल्टीमेट ही नज़ारा है यहाँ का, बहुत अच्छा लगता है और भाई मज़ा आ गया। और ये यहाँ पर गुंबद हैं,
ये आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नीचे की ओर। ये आप मीनार का देख सकते हैं ऊपर से। अभी मैं नीचे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने अपना बैग ले लिया और अब हमें जाना है नीचे। तो हम थोड़ा नीचे चल लेते हैं भाई, क्योंकि जो मीनार का जो टाइम था, जामा मस्जिद की जो मीनार का टाइम था, वो अब हो चुका था, टाइम पूरा हो चुका था। इस वजह से अब हम जा रहे हैं नीचे और मैं आपको कुछ और भी विजुअल्स दिखाऊंगा जो बहुत अल्टीमेट दिखने वाले हैं, बहुत अल्टीमेट नज़ारा होने वाला है। वो कुछ ऐसा वाव, यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे लोग इफ्तारी कर रहे हैं, मतलब बैठे हुए हैं, दुआएं मांग रहे हैं। और भी मैं यहाँ से और विजुअल्स लूँगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो भाई ये यहाँ के शाही इमाम बैठे हैं, आप देख सकते हैं भाई, वाइट कुर्ते पजामे में, और यहाँ पे इफ्तारी की तैयारी चल रही है। और यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते हैं भाई, क्या अल्टीमेट नज़ारा है यार। जब मैं यहाँ पर आया था इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन आज का जो यहाँ का नज़ारा है, आज भी बहुत भीड़ है। और मैं आज आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, तो ऊपर से तो और मज़ा आ रहा है नीचे का देखने में, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मेरे को जामा मस्जिद में आज मीनार पे। मैं रमज़ान के टाइम में मैं फ़र्स्ट टाइम पे मीनार पे आया था, तो आप यहाँ के विजुअल्स देख सकते हैं भाई कितना अल्टीमेट है। और सभी लोग यहाँ पर मतलब इफ्तारी के लिए बैठे हुए हैं, सब रोज़ा खोलने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइनें लगी हुई हैं, यहाँ पर रोज़ा खोल सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आकर के रोज़ा खोल सकता है अपना जिसका रोज़ा है। और अब हम भी चलते हैं नीचे। और मैंने आपको आई थिंक काफ़ी विजुअल्स आप दिखा दिए, और मैं आपको दिखा दूँ हम यहाँ पर थे भाई सबसे ऊपर थे, और अब हम आ चुके हैं नीचे। ये इनकी पहली मंजिल है, ठीक है, और पहली मंजिल से ही यहाँ पर बहुत अच्छे विजुअल्स मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी भाई। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर देना। यहाँ की आज का जो नज़ारा है भाई, वो बहुत अल्टीमेट है, क्योंकि नीचे से मैं आपको सब कुछ कवर करके नहीं दिखा पाता था, और आज मैं ऊपर जब आ गया तो मैंने यहाँ का नज़ारा आपको दिखाया, तो भाई बहुत अल्टीमेट था। ये आप देख सकते हैं भाई, ड्रोन उड़ा रखा है कुछ लोगों ने यहाँ पर, ड्रोन के यहाँ पर विजुअल्स ले रहे हैं लोग, कितना अल्टीमेट यहाँ पर लग रहा है। देखो भाई कुछ लोगों, क्योंकि जब विजुअल्स लेने होते हैं ना लोग, तो उनको मीनार में भी जाना पड़ता है और उनको ड्रोन भी उड़ाना पड़ता है भाई, क्योंकि ये शायद हो सकता है भाई सेफ्टी के लिए भी हो, क्योंकि कभी कभी सेफ्टी के लिए भी ड्रोन उड़ाया जाता है, और कभी कभी विजुअल्स लेने के लिए भी ड्रोन को उड़ाया जाता है। तो अब मैं चलता हूँ नीचे और नीचे कुछ लोगों से बात करता हूँ। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इन लोगों से बात करके। और आप यहाँ के विजुअल्स देख सकते हैं भाई, कितने अल्टीमेट हैं। और ये आप देख सकते हैं भाई, ये देखने में मज़ा आ गया भाई मेरे को। आज थोड़ा अल्टीमेट नज़ारा है, क्योंकि आज हमने ऊपर से विजुअल्स लिए हैं। डेली तो हम नीचे से अपना व्लॉग शुरुआत करते हैं, लेकिन जो आज की हमारी जो शुरुआत थी वो ऊपर से थी, मीनार से। तो भाई जाहिर सी बात है भाई, हमारा जो व्लॉग है आज का बहुत अल्टीमेट होने वाला है, और आपको बहुत मज़ा आया होगा हमारे व्लॉग को देखने में। काफ़ी हमने कवर करने की कोशिश करी, जहाँ तक मुझे लगा कि हम कवर कर सकते हैं, मैंने काफ़ी कुछ कवर किया। लेकिन अब हम थोड़ा नीचे से जाकर के कुछ विजुअल्स ले लेते हैं और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं उन लोगों से भी हम बात करेंगे कि उनको कैसा लगा यहाँ पर आके। तो अब मैं चलता हूँ नीचे की ओर। यहाँ से कुछ बड़ी बड़ी पेड़ियाँ हैं भाई, थोड़ा संभाल के चलना पड़ता है इन पेड़ियों पर। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको शेयर करूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ऊपर जा कर के, और मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया पूरी मीनार को, और काफ़ी अच्छे विजुअल्स निकालने की कोशिश करी मैंने। और ये अब हम आ चुके हैं नीचे, और नीचे के मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाता हूँ उनको कैसा लगा है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और आज मतलब उस हिसाब से जैसे सैटरडे में भीड़ थी, क्योंकि वीकेंड था, सैटरडे में तो ज़्यादा भीड़ थी, उस दिन के मुकाबले पर अगर मैं आज कंपेयर करूँ तो उस हिसाब से कम है, लेकिन फिर भी बहुत है भाई, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी भीड़ है यहाँ पर, और काफ़ी लोग आए हुए हैं। क्योंकि मैं कितनी बार आ चुका हूं तो मेरे को हमेशा नए ही लोग यहां पर मिलते हैं, हमेशा नए लोग मिलते हैं मुझे, पुराना लोग कोई बहुत कम मिलते हैं। मतलब बहुत कम लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई हमने आपकी वीडियो देखी थी, और बाकी मेरे को हर कोई यहां पर नया दिखता है। कभी भी मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि मैं यहां पर कुछ लोग मेरे को रिपीटेड दिखे हों, यहां पर हर बार हर रोज़ यहां पर नए लोग आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यार ऐसे मॉन्यूमेंट्स पर जब सब लोग मिलजुल के यहाँ पर तैयार करते हैं, और सब मिलजुल कर यहाँ पर एक पार्टी जैसा माहौल होता है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो अगर आप आ रहे हो तो भाई जामा मस्जिद में रोज़ा ज़रूर खोल लेना भाई। और यहाँ पर अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ लोग बैठे हैं, आप देख सकते हैं भाई पूरी पूरी फैमिलीज़ यहाँ पर हैं, और कुछ लोग कोई फल काटता है और कोई बाहर से लेके आता है, तो सब कुछ कोई खाना लेके आता है घर से, तो पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं। और ये आप जामा मस्जिद देख सकते हैं भाई कितनी जगमगा रही है, और बहुत अच्छा लगता है। अभी कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि उनको यहाँ पर आकर के कैसा लगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई पूरी फैमिली बैठी हुई है, और ये अपने घर से फल फ्रूट्स लेकर आए थे और कुछ इन्होंने यहाँ पर आकर के काटे हुए हैं, कुछ इन्होंने यहाँ पर आकर के ख़रीदे होंगे। तो आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर अपने फल फ्रूट्स लेके आकर आते हैं और कुछ लोगों को खुद भी काटने पड़ते हैं बाहर से भी वैसे। और ये देख सकते हैं भाई, ये टैलेंट है भाई। मैम क्या नाम है आपका? इनका नाम माही नाम है। आप स्टूडेंट हो अभी? भाई आप देख सकते हैं भाई, ये जो केला है एक अल्टीमेट तरीके से ये काट रहे हैं, क्योंकि इनके पास नाइफ नहीं है तो इस वजह से काम चलाना पड़ रहा है स्पून से। बहुत अच्छा लगता है मुझे तो यहाँ पे। आप देख सकते हैं भाई इनका, कर रहे हैं हम लोग इनका। ओके, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। दो फ्रेंड्स हो रहे हैं, वो भी हमारे लिए रुआब्जा लेने गए हैं। अच्छा, रुआब्जा लेने गई हो तो आप मतलब इनका एक्साइटमेंट देख सकते हो भाई, कितना अल्टीमेट है। केले काटने का जो स्टाइल है वो बहुत अल्टीमेट है भाई। अगर आपके पास भी नाइफ ना हो और आपको कभी केले काटने पड़ जाए तो आप यहाँ पर इस चम्मच से काट सकते हो। ठीक है, थैंक यू आप लोगों से बात करने के लिए। अभी हम और लोगों से बात करेंगे और लोगों से विजुअल्स लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और आपने देखा भाई कितनी अल्टीमेट तरीके से लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है बात करने के लिए। कुछ लोग घबरा जाते हैं बात करते करते। और भाई मेरे को यार ये ज़रूर बताना आप लोग मेरे को कहाँ से देख रहे हो, मेरे को लोकेशन ज़रूर शेयर करना कि आप लोग मेरी वीडियोस को कहाँ कहाँ देख रहे हो, कहाँ कहाँ मेरा इतनी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ जामा मस्जिद में आके, वो इतना प्यार जो आप मुझे दिखा रहे हो मेरी वीडियो पर, व्यूज़ जो आ रहे हैं इतनी दूर दूर से, तो आप मुझे ज़रूर मतलब कमेंट्स में बताना कि आप कहाँ से हो। अभी कुछ लोगों की यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि अभी देख सकते हैं भाई एक बॉक्स खुलने वाला है। ये पता नहीं क्या है लेकिन इसके अंदर चाट है, बहुत अच्छा लगा भाई। आप देख सकते हैं घर से चाट बनवा कर लेके आए थे और अभी ये इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं, फल फ्रूट्स निकाल रहे हैं भाई प्लेटों में। और आप देख सकते हैं भाई मतलब ये इस तरह से यहाँ पर आकर के मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो ये मोमेंट होता है ना, ये मोमेंट बहुत अल्टीमेट होता है और एक यादगार मोमेंट होता है कि भाई हम जामा मस्जिद गए थे। और मतलब ये एक जो मोमेंट होता है वो बहुत अल्टीमेट होता है, क्योंकि जब बाद में इस मोमेंट को याद करते हैं कि हाँ भाई हम जामा मस्जिद गए थे और हमने वहाँ पर इफ्तारी किया था और वहाँ पर सब लोग इसी तरह से मौजूद थे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगता है जब अगर इस तरह का चीज़ें यहाँ पर करने को मिलती हैं। तो आप भी आओ, आप भी एक्सपीरियंस आप ज़रूर ले लेना भाई। ये आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी फ्रूट्स काटे हुए, भाई खुद ही काटे अपने सारे फ्रूट्स या बाहर से ले गए थे? तो भाई इन्होंने सब भाइयों ने खुद ही फ्रूट्स काटे हैं। और बाकी आप भी आते हो तो भाई आपको भी खुद ही काटने पड़ेंगे, कुछ फ्रूट्स आपको बाहर से मिल जाते हैं तो कुछ फ्रूट्स आपको काटने पड़ जाते हैं। दोस्तों ये है इसका मेन गेट, ठीक है, ये उसका अगर जामा मस्जिद का पूरा मेन गेट है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना स्पेस है। गेट नंबर 3 ये कहलाया जाता है शायद, गेट नंबर 1 वही कहलाया जाता है जहाँ से हम अपना ऑलवेज अपना व्लॉग शूट करते हैं। यहाँ से हम एक आपको एक विजुअल्स लेके जाने वाले हैं, देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं भाई गोला हो चुका है और अभी दोनों मीनारों की लाइटें जलने वाली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाओ, दोनों मीनारों की लाइटें जल चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि रोजा हो चुका है और अब यहाँ पर अजान हो रही है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली। कहाँ से हैं आप? मैं सीलमपुर से। तो आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं? हर साल आती हूँ रोज़ा खोलने। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है।
हाँ जी, अभी आपको कैसा लगा है? अभी बहुत अच्छा लगा है, अल्लाह की रहमत की हवा चल रही है, ठंडी ठंडी रोज़ों खोल रहे हम सब फैमिली के साथ। तो गाइज आज हम अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और फिर लेकर आऊँगा मैं एक नया ब्लॉग एक नई लोकेशन के साथ। आई होप आपने हमारा आज का जो ब्लॉग है उसको इंटरेस्ट मतलब इन्जॉय किया होगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।